हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोई टॉपिक के बारे में नहीं बताएंगे, ना कोई टेक्निकल वीडियो के बारे में बताएंगे। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको आज की इस वीडियो में हम दिवाली के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको टैग से जुड़ी वीडियो मिलेंगी और आगे भी आपको नए नए टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी। तो बस वीडियो देरी के चलेंगे अपने टॉपिक पर और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली इन एडवांस। आप सबको मैं हैप्पी दीपावली एडवांस में देता हूँ। क्यों दोस्तों, ना जाने दिवाली को मुझे टाइम मिले या न मिले आपको बधाई देने के लिए, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। गाइस, देखिए दीपावली हम सबका बहुत बड़ा त्यौहार है, हिंदू का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसमें गाइस क्या होता है कि इसमें जब श्री राम जी ने रावण को मारा था, तब गाइस अयोध्या वासियों ने उनके वापस अयोध्या आने की खुशी में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया था। ठीक है, तो उसी दिन से दीपावली का जन्म हुआ, उसी दिन से हम लोग भी दिवाली मनाते हैं। तो देखिए, अब उस टाइम की बात कुछ और थी, पर इस टाइम की बात कुछ और है। इस टाइम गाइस क्या हो रहा है कि अब पटाखों की जो बाजार है, जो पटाखों का बाजार है, जो पटाखे हम लोग जलाते हैं, तो गाइस से क्या हो रहा है, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। इससे आपको जो आपको श्वास लेने में खुद आपको परेशानी हो रही है, आपको खुद सांस लेने में आपको जो मतलब कि वातावरण है आपका, आपका जो पेड़ पौधे हैं, ये सब दूषित हो रहे हैं इस सब वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग प्लीज़ अब दीपावली पर पटाखे न जलाइए। दीपावली पर आप पटाखे न जलाकर आप दिए जलाइए, दिए जलाकर अपना घर को रोशन एंड अपने घर को सुंदर बनाइए, ना कि इन सब पटाखों से अपना जो माहौल है उसको ख़राब कीजिए। देखिए गाइस, आपको मैं बता दूँ, दिवाली सबके लिए होता है, पर गाइस अगर आप दिवाली मनाओगे तो आप ऐसे तरह से दिवाली मनाओ कि सबको लगे कि आप दिवाली मना रहे हो। जो गाइस दिवाली पर हम पटाखे बजाते हैं उससे बहुत से आवाज़ निकलते हैं, तो वो गाइस क्या होता है, वो ध्वनि प्रदूषण में आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो मरीज होते हैं, जो हार्ट के मरीज होते हैं, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो इन आवाज़ों को सह नहीं पाते हैं, तो उनको तबीयत खराब हो जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पटाखे प्लीज़ न बजाएं, आप दीपक जलाएं, आप लोग दिए जलाएं, आप लोग दिए जलाकर अपना दिवाली मनाएं, न कि पटाखे जलाकर। तो गाइस देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी दिवाली पर पटाखे न बजाएं, आप लोग भी दिवाली पर सिर्फ दीप जलाएं एंड मिठाई खाएं। ऐसे बहुत से ऐसे तरीका है दिवाली मनाने के, आप पटाखे छोड़कर और सभी तरीके से अपनी दिवाली मनाएं। क्यों दोस्तों, इससे आप गाइस क्या होता है कि वायु प्रदूषण भी होता है एंड ध्वनि प्रदूषण भी होता है, एंड इससे बहुत लोग का हाथ पैर जल भी जाता है, बहुत से लोग जिनका घर तक जल जाता है, बहुत ऐसे लोग जिनका बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ नुकसान हो, आप लोग को कुछ परेशानी हो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दिवाली बनाओ, पटाखे बिना दिवाली मनाओ, तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे, तभी आप स्वच्छ भारत मिशन के अभियान में आप वहाँ के जो नाम है उनमें आप चलोगे। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिवाली मनाओ, पर पटाखे मुक्त दिवाली मनाओ। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में हमको आपको एक छोटा सा मैसेज देना था, तो सो मैंने दे दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दिवाली मनाओ, पर पटाखे न जलाओ, आप दीपक जलाओ, बहुत से तरीके हैं दिवाली मनाने के। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।